अजीम भाई आप ही मिले। चलो ठीक है, अब बस अब दिल में कोई बात भी नहीं रखनी है। ठीक है मामू, ओके बाय बाय। अभी थोड़ी देर मैंने चुन चुन के तुम दोनों, मैं सर में लगाता हूँ ना, मेरे सर में दर्द हो जाता है। चलो चलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और खैर वाफियत होंगे। और भी सुबह सुबह आज हम उठे हैं और हमने सोचा कि भैया जो ना उसे कराते हैं, लेकिन जहाँ भी जा रहे ना कोई सीन नहीं बन रहा। मामू मज़ा आ रहा फिर? भाई मज़ा तो ऐसे बस ना होटलों के ना। अच्छा, मैं पंजाब में हूँ तो पीछे ऐसे दीवारें होती हैं, कराची में हूँ तो ऐसे। ये मैंने भी यहीं से शुरू लेना था। नहीं नहीं, इधर देखे माचला बिल्डिंग है। अभी नाश्ता करके जो ना हम लोग घर आ गए थे और अभी जो है ना लाइट भी नहीं है और मामू के तीन चार काम है। मैं मामू के साथ जाता हूँ जहाँ जा जाना है, फिर क्योंकि बाइक में चलाता हूँ तो फिर मामू को लेकर चलता हूँ, फिर जब वापस आएंगे आपसे मिलते हैं। तो अभी वहाँ से जो ना हम लोग सीधा फिर से जो ना इधर आए हैं कैंटीन स्टेशन पर, कल मामू को लेने आए थे, आज मामू को छोड़ने हैं। मामू यहाँ पर खड़े हुए। अच्छा, अभी तो सीन ये है कि टिकट मामू को मिल गई है और टिकट मिली डिस्काउंट में। भाई करा वहाँ से पंजाब से आ रहे तो डिस्काउंट शायद नहीं है, यहाँ से जा रहे जो प्राइवेट और जो है ना बिजनेस क्लास वो भी 1800 रुपये के मिले, नहीं तो ये 4000 3800 3600 इतने मिलते यहाँ से ना डेरा नवाब के। तो मामू नदीम को आज मज़े हो गए, 2000 रुपये में इनको टिकट मिल गई उसके अंदर, वो भी बिजनेस क्लास में। तो मामू आज खुश है, उनसे बार बार पूछ रहे ये सच है ना, सच है ना। मैं बोला मामू सच है सच है। मामू की खुशी देख रहे हैं। मामू उनको बार बार बोल रहे कोई डिस्काउंट है क्या, कोई डिस्काउंट है क्या। नहीं, मैंने कहा कहीं भूल तो नहीं गए। नहीं, भूल गए तो आपको तो फायदा हो रहा था, फिर उनको जता रहे भाई ये तो लोकल बस का किराया है जो हम बिजनेस में। चलो मजे, आज आप बैठना, वीडियो बना के फिर हमें दिखाना, फिर अगली बार हम भी इस पे बैठेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम लोग आए हैं न्यू वॉसे सेंटर में जो कि तारे की शॉप है वहाँ पर, और मामू की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर लेकर चला। मामू बोले मुझे यहाँ पर प्लीज लेके चलो 2 मिनट के लिए, मैं बोला चलो ठीक है। और भाई मामू तारे की शॉप आ गए। मामू आपका आपका शागिर्द याद आया? शागिर्द तो ये मेरा। ये भाई मामू का जो आखिरी शागिर्द था ना वो यही है, इससे पहले बाकी सब हुआ कदरे के लिए आखिर था। खैर भाई हम लोग जैसे यहाँ पर आके बैठे, लाइट चली गई है, अभी गर्मी की वजह से ना हम घर वापस ही जा रहे हैं। उस टाइम के उसके बाद हम लोग घर पर आए थे, अभी जो ना क्या बोलते हैं हम जा रहे हैं बाहर मिठाई लेनी है, फूल लेने मामू को, और फिर सितारा के घर पे भी जाने हैं, फिर मिलके मामू ने फिर से पता पंजाब जाने हैं। तो बहुत सारे काम हैं, अभी चलते हैं सब। डीडी भाई देखो उनको समझा रहे, पहले ये करते फिर ये करते फिर ये करते। मामू जो ना इधर लेकर आए हमें अम्मी के पास, अभी अम्मी को मिल ले हैं, और अम्मी को मिलने इसलिए आए क्योंकि अभी मामू जो ना 1 घंटे बाद चले जाएंगे मतलब पंजाब चले जाएंगे, और कहीं चले जाएंगे तो जाएंगे 10 दिन। हाँ, ये 10-12 दिन बाद आते रहेंगे, अभी आज़ाद पंछी बन गए मामू। तो मामू की खुशी अब देख रहे हैं, 2 दिन आ चुके हैं। तो बस अभी जना फिर हम चलते हैं। मामू अभी कहाँ जाने का इरादा है? अभी अभी वो ऑर्डर जो कपड़ों का पड़ा है वो उठाना है। हाँ, अच्छा, उसके बाद फिर ठीक है, और फिर सितारा के पास जाना है। तो अभी हम यहाँ से सब निकल रहे हैं, अभी यहाँ से हर किसी के रास्ते अलग अलग हो गए। मामू एक तरफ, दिलबर नहीं बल्कि ये जो बाइक है ये मैं लेके जाऊँगा, मैं एक तरफ जाऊंगा, ये दोनों एक तरफ जाएंगे। ठीक है भाई, आज से हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, जाते बोलो। ये कहाँ ले जाना? ये पहुँचा देने हैं ना। ठीक है मामू, सिंधी अच्छे फोट ले लूँ। आ चुके हैं और मैंने लेनी है मिठाई कहाँ से, सिंध स्वीट से, जो कि मामू ने कहा सितारा कह रहे, तो मैं यहाँ से लेता हूँ, पार्सल करा लेता हूँ पहले। अच्छा भाई, मिठाई हमने यहाँ पर ले ली है और अभी जाना है कहाँ पर, फूल और गजरे लेने जाने हैं मुझे, फूलों वाली शॉप। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कौन से फूल लेने हैं, इस तरह के और गजरे। और ये देखें माशाल्लाह फूल कितने प्यारे प्यारे पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से एक गजरे की जोड़ी लिए और एक जो ना हार की जोड़ी लिए, जो कि मामू ने कहा था मुझे हार जैसे ये यहाँ पर पैसे बने हुए होते हैं बस, बाकी वो गजरे इनको और मैंने अपने हिसाब से बोले कौन से बनाओ तो ये वही बनाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह गजरे तैयार हो गए हैं, एक जो ना तैबा के लिए जोड़ी लिए और एक जो ना सितारा के, तो सितारा की बड़ी तैबा वाली यहाँ पर रेडी हो रही। खैर भाई, तो फूल वूल हमने यहाँ से ले लिए, अभी हम सीधा चलते सितारा के घर पे, मैं वहीं पे जा रहा हूँ, बाकी सब जो ना आ जाएंगे। और ये सारी लाइन जो ना सारी फूलों की मार्केट है। हम लोग जो ना अभी यहाँ पर आए हैं, साजिद भाई भी आ गए और सलाम करें फिर जाने वाले नदीम भाई आप ही सितारा, साजिद भाई और मामू नदीम,
तो इनके जो इख्तलाफ थे सब ने बैठ के अपने मसले सुलझा लिए, तो बस आज से इंशाल्लाह सब कुछ ठीक चलेगा। ठीक है भाई, ओके भाई, ऑल द बेस्ट। तो चले हम यहाँ सब निकल रहे हैं और मामू है, दिलवर भाई है, शहर से तारा भी चलेगी। इस टाइम जो ना हम लोग कैंटीन स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और दिलवर भाई कहाँ गया, मामू आ जाए। दूसरा जो शॉपर है वो डीडी भाई के पास है, तो मामू अभी जल्दी कर रहे हैं, मैं इसको उठवा लूँ। अच्छा भाई, ये जो स्टेशन देखें कब का तामीर है, ये देखें 1896 में हुआ है, 1898 तक रेडी मेरे ख्याल से हो गया था, तो ये उस दौर के बहुत पुराना है। ये आई हुई है दूसरी साइड पे भी, नहीं दूसरी, वो दूसरी है, अभी तक मामू वाली नहीं आई। नहीं नहीं मामू वो और है, अभी तक नहीं आई, ऊपर आ गई और हमारी ट्रेन शुक्र है कि अभी तक नहीं आई, तो क्योंकि टाइम हो गया ना इस वजह से। आने वाली और दूसरी जो ना आने वाली है, आने वाली यहाँ से आएगी इस साइड से ऐसे, तो जैसे आती है मामू को फिर बिठा मामू ये जैसे आ रही है ना, ये आपको पहुँचाएगी भी वैसे ही, सुकून से आ रही है, सुकून से ही पहुँचाएगी। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ भाई, हमारे साथ हो गया सीन, हमें डीडी भाई लेके चले गए उस तरफ, बोलते हैं दो नंबर डब्बा उधर रहेगा, और दो नंबर डब्बा मेरे ख्याल से वो उधर पुल के पास है, बहुत पीछे रह गए। तो मामू भागो जल्दी, हाँ वैसे भागने जरूरत नहीं, लेकिन मामू फिर भी भाग रहे क्योंकि करीब ही है ये। अच्छा भी हम ट्रेन के अंदर आ गए और ये बिजनेस क्लास है, हमने बोला चलो हम भी देख लेते हैं कैसी है, तो दिखने में तो अच्छी है, हर की अपने गेट बंद कर ले, सब कुछ कर ले। मामू इसमें बैठ, सी में बैठोगे आप? मैं सो रहा हूँ भाई, तू जा, जो इधर एसी की। आ गए थे, मैंने जो पहले वीडियो बनाई है वो सारी चली गई स्लो मो में, और बहुत ही मजे वाला डब्बा है। इसकी ये मजे है कि इसको ना आप ऐसे लॉक कर दो, बस आपका फुल हो गया, बाकी सबको छोड़ो, तो बस मामू मामू ठीक है मामू, ओके बाय बाय, अभी थोड़ी देर बैठ जाना जब तक, हम भी देख लेंगे बिजनेस क्लास। मजे भाई मजे भाई, तो अभी हम अपने एयरपोर्ट को बोलते हैं बाय बाय, आई मीन के एयरपोर्ट नहीं ट्रेन स्टेशन जो है, तो इसको बोलते हैं बाय बाय, फिर घर चलते। इसका टाइम है राधे का, देता हूँ इसमें तो ऐसे कैमरे का, आपको पता है मेरी फेवरेट लाइट लगी हुई है, लाइटें लगी हुई है, और जो ना हम लोग अभी जा रहे हैं फैन लेने, जो मेरे ऊपर छत वाला पंखा था ना उसको मैंने लास्ट टाइम बनवाया था, हो गया ये उस दिन बोलते हैं जल जाएगा, फिर जल गया, मैं न्यू लेने जा रहा हूँ, क्योंकि फिर उसको बनवाने से बेहतर है कि बंदा न्यू ले ले। चलो अच्छा, अभी तो ये शॉप के अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर ना कौन सा चलता है हमें। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये कूलर फैन है, ये भी अच्छा वाला है, ये पता नहीं 30,000 का ऐसे कुछ बोल रहे हैं, ये रूलर वाले मतलब फैन वाले, हमें तो खैर पंखा लेना है जो ऊपर वाले होते हैं। अच्छा अभी फैन हमने ले लिए, अभी घर चल के इसको फिटिंग करते हैं, फिर इसको लगाते हैं। ये वाला फैन ऊपर से उतार लिए और इसको जो ना थोड़ा काम करना है, फिर न्यू वाला वाइट वाला करना है, पहले ये वाला था, पर ये लग भी चुका है और चल भी रहा है। हमजा ओ हमजा इधर आओ, सलाम करो सबको, सलाम करो। अच्छा जी, दुआ ओ दुआ क्या कर रही हो भाई, दुआ कितने देर से मेरे ख्याल से गायब थी। हमजा सलाम करो सबको, कैसे हैं आप सब? हमजा भैया आपकी तबीयत कैसी है? ये दोपहर में इसको फिर से बुखार था, लेकिन दवाई ववाई पिलाई, अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, अभी रोज दवाई पियोगे ना ठीक हो जाओगे। ठीक है, ठीक है। हाँ मेरा गुड बच्चा। तैयबा कैसी हो? माओ कैसी है? ठीक है। माओ क्या कर रही है? माओ को गुदगुद करे? नहीं नहीं करते नहीं। अच्छा आपको करे? अच्छा, तो आपको गुदगुद क्या करते हैं? माओ माओ को देखो आराम से, सॉरी माओ को, या थोड़ी सी गुदगुदी करो, देखते क्या करती है। नहीं मैं अपने माओ को। एक मिनट चलो ठीक है, जा रहे हैं। ठीक है। और इसने मुझे एक गिफ्ट दिए VIP, इसको यूज़ करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं वैसे लगाता नहीं हूँ वैसे, नहीं अभी लगाना। हाँ मैं लगाऊंगा, अभी ये मुझे बोल रहा था कि मैं नहीं लगाता, लेकिन अब इसको यूज़ करना अभी तुम्हारी ये बोल रही है कि पहले वो जैसे बोलते ना इस्तेमाल करो फिर यकीन करो, ये वही बात है। तो मैंने चुन चुन के तुम दोनों, मैं सर में लगाता हूँ ना मेरे सर में दर्द हो जाता है, ये हल्का है, ज्यादा तेज वाला नहीं है। हाँ ये इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, निर्माण वॉशिंग पाउडर। तो ठीक है बस अभी हम घर जाते हैं, फिर मैं इसका आपको चल के फेस रिवील करता हूँ। अगर मेरे सर में दर्द नहीं हुआ तो समझो अच्छा है। नहीं होगा, मैं खुद भी ऐसे मैं परफ्यूम लगाऊं और मेरे सर में दर्द होता है, मैं हल्के वाले नहीं। चलो ठीक है, ओके जो ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू। ये जो सतारा ने मुझे परफ्यूम दिया था, मैं इसको अभी खोलता हूँ, देखता हूँ ये कैसा है। और भाई ये देखें VIP, बूम, अब इसके जरा चेक करते हैं
करके इसका टेस्ट करते हैं। हमजा बोलते हैं मुझे तो टेस्ट नहीं, वो इसको चेक करते हैं, खुशबू इसकी चेक करते हैं कैसे है। हमजा भी तबीयत कैसी है? ठीक है। तो भी इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, तो इसके लिए थैंक यू सितारा, और उसने हमें गिफ्ट दिया और बहुत अच्छा है। अभी मैं इसका इस्तेमाल भी किया करूँगा, नहीं तो मैं जैसे भी कोई लगाता ना मेरे सर में दर्द पड़ जाता है। अभी तक तो नहीं हुआ, बाद में देखता हूँ। रात का टाइम है और नैना आई है, तो हम उसको लेने जा रहे हैं, मैं, दलफादिया और छोटा मीर। मीर ने कहा कि मुझे भी लेके चलो। चलो भाई ठीक है, इसको भी लेके चलते हैं, आ जाओ चलने। अच्छा अभी नैना भी आ गया, शाहरुख भी आ गया। और शाहरुख कैसे हो? ठीक हो? एक बच्चा लाएंगे। हाँ दिखाओ बेबी, दिखाओ। नहीं फेस रिवील नहीं करना। मैंने दिखाया हुआ पहले से। देख रहा, देखो। चलो चलो आ जाओ, थोड़ा मैं इसको वैसे ले आया ताकि थोड़ी सी हवा खा लिए। चलो दादा रुक जाओ, इधर आओ। चलो मेरी वाइफ यहाँ पर छुपी हुई थी और इसने बोला मैं इसको डराऊंगी। नैने लोग वापसी भी जा रहे हैं और बाबर की तबियत बहुत खराब है, उसको बहुत चक्कर है, वो कह रहा है मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ। मुझे मेरी तबियत ठीक नहीं, तो मैं इनको नहीं छोड़ा। वाइफ लोग दुआ करके, दुआ मत सर अली और इनके बच्चे के, बाबर के लिए भी दुआ करें कि तबियत ठीक हो। अच्छा बस रहने दो। और मुझे लगता है कि आज मुझे भी बुखार है क्योंकि तबियत फुल डाउन है, तो कल हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है।